बिखरा पड़ा है। हर गांव, हर नगर, हर शहर में हमारे देश का इतिहास बिखरा पड़ा है। हम अक्सर कोसते हैं ना कि हमारे देश में कितनी सारी ऐतिहासिक जगहें हैं जिसके इतिहास के बारे में हम कुछ नहीं जानते, जो कहीं दर्ज नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसी कई जगहें हैं जहां इतिहास बिखरा पड़ा है पर हम उन जगहों को लगातार नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। तो आइए इस बार गौर करते हैं एक ऐसी ही जगह पर और वाकिफ होते हैं मध्यकालीन नगरी बुरहानपुर से। इंदौर से 180 किलोमीटर दूर है बुरहानपुर, जो मुगलों की एक महानगरी हुआ करती थी, मगर जिसका इतिहास धीरे धीरे इस जगह की मिट्टी में मिल रहा है। इसीलिए मैं मिलने जा रहा हूँ बुरहानपुर के इतिहास के एक प्रेमी से, जो जीवन भर यहीं रहे हैं और हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटकों को बुरहानपुर की उपलब्धियों और बुलंदियों से परिचित करवाया है। उनका नाम है होशांग हवलदार। इतिहास के पन्नों में गुम बुरहानपुर, एक ऐसा प्राचीन नगर जिसमें यहाँ विश्व की 5 धरोहरें विद्यमान हैं। यहाँ की सबसे बड़ी धरोहर भारत बुरहानपुर का दिल, यहाँ की जामा मस्जिद, एक ऐसे विश्व की एकमात्र मस्जिद जिसमें संस्कृत, अरबी और फारसी में शिलालेख खुदे हुए हैं। बुरहानपुर की दूसरी धरोहर में आता है हमारा पैलेस का स्पा, जिसे हमाम कहते हैं, जिसे मुमताज़ बेगम नहाया करती थी। इस स्पा की खूबसूरत पेंटिंग के बेसिस पर ही पूरे ताजमहल का निर्माण हुआ। तीसरी धरोहर जो है वो मुगल पीरियड का एक फ्रेस्को, एक ऐसा मकबरा जिसमें बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स दी हुई हैं, बिल्किस बानो का मकबरा। हमारी एक चौथी धरोहर आती है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखित एक ऐसा ग्रंथ साहब जिसके ऊपर गुरु जी ने स्वयं सोने की शाही से हस्ताक्षर किए। और पांचवी धरोहर विश्व के एकमात्र वाटर सिस्टम, जो 80 फुट गहराई से पानी आज भी बिना किसी पंप के, बिना किसी प्रेशर के ऑटोमेटिकली ग्राउंड पर आ जाता है। तो क्या ये शहर मुगलों ने बनाया? इस शहर में मुगलों का अहम किरदार जरूर रहा, लेकिन इस शहर को इतिहास के अनुसार फारूकियों ने बसाया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मलिक रजा फारूकी को 1372 में थाल नहर में एक जागीर दी। मलिक रजा फारूकी ने अपनी बहादुरी से थाल नहर के आसपास के इलाके पर कब्जा किया और अपना विस्तार किया। मलिक रजा फारूकी के बेटे नासिर खान ने लगभग 1407 में एक सूफी संत बुरहानुद्दीन साहब के नाम पर बुरहानपुर शहर की स्थापना की। लिखित इतिहास बताता है कि बुरहानपुर की स्थापना फारूकियों ने की और उनके राजकाल दौरान इस जगह ने बहुत तरक्की देखी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बुरहानपुर का इतिहास इतिहास से भी प्राचीन है और हजारों सालों से ये एक आबाद नगरी रही है जहाँ बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक घटनाएं रची गई। बुरहानपुर नगर, जिसे आज हम बोलते हैं, सब कहा जाता है कि फारूकी दौर में ये नगर बसा हुआ था, पर वास्तव में यदि हम सूर्य पुराण पढ़ें तो सूर्य पुराण के तापी महत्व में एक जगह बताया गया है कि ये नगर प्राचीन पुरातन नगर है। जब गंगा का अवतरण होना था जमीन पर, तब ताप्ती को उसमें बहुत महत्व था, तो गंगा ने मना कर दिया कि मैं जमीन पर नहीं आ सकती, मैं जब आऊँगी तो मेरा महत्व पूरी धरती पर, भारत भूमि पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए फिर नारद ने ताप्ती किनारे वहाँ खड़े होकर उन्होंने तपस्या की, ताप्ती को प्रसन्न किया और ताप्ती से उन्होंने वरदान मांगा कि आप अपना जो पावर है वो थोड़ा कम कर दीजिए, जिससे कि गंगा का अवतरण यहाँ हो सके। और इसके बाद ही गंगा ने भारत भूमि पर अपना अवतरण किया। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि ने ताप्ती के तट पर यहीं कहीं पैर के एक अंगूठे पर 6 महीने तक खड़े रहकर तपस्या की थी। खैर, इसके प्राचीन इतिहास के बारे में जो भी विवाद, बुरहानपुर के इतिहास का जो आज प्रमुख गवाह है वो है मध्यकालीन युग का ये शाही किला।
सोचिए, आज मैं जहाँ चल रहा हूँ, किसी जमाने में ठीक इसी जगह अकबर के कदम पड़े हूँ। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी ने बुरहनपुर में वक्त बिताया और वे यहीं शाही किले में रहे थे। यहाँ तक कि एक रिवाज बन गया था कि बुरहनपुर का सिपह सालार यानी कि गवर्नर या तो कोई मुगल शहजादा होगा या कोई उच्च दर्जे का मुगल अधिकारी। पर इन सबने ऐसा क्या देखा बुरहनपुर में जो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने इस बुरहनपुर को एक बड़े शहर के रूप में सजाया था? जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।